Hi everyone, मैं हूँ रिशीना कंधारी और आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ. वैसे तो मेरे घर का लंच बन चुका है लेकिन एक चीज़ है जो बची हुई है एंड दैट इज जो गर्मियों के दिनों में हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि गर्मियों में हमारे वाटर लेवल्स कम हो जाते हैं और हमें बहुत डिहाइड्रेशन जैसा महसूस होता है. तो उससे बचने के लिए मेरी मम्मी हमेशा घर में बनाती है, दैट इज दही और ककड़ी का रायता. सो आई एम गोना मेक दैट टुडे फॉर यू. उसके लिए मुझे दही चाहिए. सो दिस इज लाइक वन कंटेनर ऑफ दही. ये मैं पूरा इस्तेमाल करने वाली हूँ. सी दिस इज दिस गोज द एंटायर थिंग. ये मैंने पूरा खाली कर दिया. अब इसमें मैंने थोड़ी सी ककड़ी ऑलरेडी पीस के रखी हुई है. सो यू हैव टू लाइक ग्रेट द ककड़ी, द क्यूकम्बर, यू हैव टू लाइक ग्रेट इट प्रॉपरली और इस तरह से, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, इस तरह से उसे ग्रेट कर दें. ककड़ी आपके वाटर लेवल्स को हमेशा अप रखती है, आपको हमेशा हाइड्रेटेड रखती है और दही आपके सिस्टम को ठंडा रखता है. तो कभी भी जैसे पेट में जलन हो रही होती है या कुछ हो रहा होता है तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे दही देती है खाने के लिए, तो वो हमें ठंडा रखता है अंदर से. सो आई थिंक ककड़ी एंड दही इज अ वेरी टेरिफिक कॉम्बिनेशन टू ईट इन द समर्स एंड इट हैज इट्स ओन हेल्थ बेनिफिट्स ऑल्सो. ये मैंने कर लिया है और मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि ये बहुत तेज है तो इसे ज़रा संभाल के पीसना. वही करें, मैं बहुत संभाल के पीस रही हूँ. ये मैंने खींच लिया. ये ककड़ी किसी भी है हमारी. इस ककड़ी को हम इस दही में डालेंगे. इसको उस ककड़ी इसके अंदर मैं काटा हुआ, बारीक काटा हुआ हरा धनिया डालने जा रही हूँ. हरा धनिया, कोथमीर, व्हाटएवर यू पीपल कॉल इट. हरे धनिये में गोल्ड होता है और ये मेरा बहुत फेवरेट है. मैं इसका एक भी स्पेक जो है वो मिस नहीं होने देती. आई लव इट. ऑलराइट, इसमें मैं डालूंगी हल्का सा नमक. आई नीड टू वाइप माय हैंड्स, सॉरी, बिल मेसी. ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून ऑफ नमक. मम्मी आधा चम्मच ना पूछना जरूरी है. ओके, दिस गोज हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट. अनदर थिंग, मेरे घर में आयोडाइज नमक नहीं आता है. दिस इज सेंधा नमक जो फास्ट के खाने में, उपवास के खाने में इस्तेमाल होता है. और एक चम्मच चीनी डालूंगी मैं. सो हियर गोज वन चम्मच चीनी, शक्कर थोड़ी सी कम लगी मुझे और डाल देती हूँ. और अब मैं इसे चम्मच अच्छी तरह से घोटूंगी. ये इस तरह से ये घुट गया इसके साथ. अब इसे मैं घोटती जाऊंगी जब तक कि इसका, इसके अंदर की चीनी मिक्स नहीं हो जाती अच्छे से और नमक और सब कुछ जो मैंने डाला है वो इट शुड बी लाइक यू नो मेल्टेड. मुझे ना बचपन से ही बहुत शौक था. जब मैं छोटी थी तो मैं संजीव कपूर जी के बहुत सारे शोज देखती थी और मुझे लगता था कि मुझे कभी कभी ना कुकरी शो करना चाहिए. तो थैंक यू टाइम्स ऑफ इंडिया, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के लिए और अपने दर्शकों के लिए कुछ बना सकती हूँ. बातें करते करते फील्स लाइक अ संजीव कपूर शो. और वैसे भी लॉकडाउन है और सबके अंदर का संजीव कपूर भार आ ही चुका है. मेरे पूरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के जितने भी पेजेस हैं सबके मैं सिर्फ खाने की फोटोज देख रही हूँ. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू And I'll tell you guys what we usually eat at home. So, ये हो चुका है. Okay, there's another twist in this. मेरी मम्मी इसमें ना हमेशा एक तड़का मारती है. मुझे गैस से करंट लगता है. I have to use something earthing के लिए.
इसमें मैंने घी ऑलरेडी डाल रखा है, सो 1 टीस्पून ऑफ घी एंड जब तक गर्म हो रहा है इसमें थोड़ा सा आई थिंक ये थिक लग रहा है मुझे, मैं इसमें थोड़ा पानी मिक्स कर रही हूँ, सो दिस इज लाइक 1/4 कप ऑफ वाटर. Looks really nice. Smells good because of the kothmir. Aur ye garam ho gaya. So now I'm gonna put 1/4 teaspoon of ghee. Ghee chala gaya isme. 3/4 spoon of jeera. Okay. Hari mirchi maine seedless karke barik kati hui hai. Wo. और कड़ी पत्ता ये सब चला गया, उड़ रहा है. अगर ये बिगड़ गया ना तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी, तो मुझे लग रहा नहीं ऐसे बिगड़ जाएगा ये. Alright, so now I'm gonna put this in. Let me just show you. I don't know if you guys can see. So इस तरह से बन चुका है. और अब मैं इसे फिर से घोटूंगी. And this is ready. First taste kar liya. Wow, it's nice. So guys, this is ready to eat dahi and kakdi ka raita with a little bit of tempering with jeere ka tadka. And isko main rakhungi fridge mein. Aur ab jab bhi kaha to sahi lunch khayenge, tab hum iske saath lunch ke saath hi khayenge. Chala kaha to sahi usko. आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा बनाया हुआ रायता बहुत पसंद आया होगा. प्लीज अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा. कैमरामैन ट्राइपॉड के साथ मैं ऋषिना कंधारी आपसे विदा लेती हूँ. धन्यवाद.